हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सत्तू के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन हाथ से अच्छे से क्रश करके ऐड कर दिया। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक लेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, सरसों ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और इसे अच्छे से हम हाथों से इस तरीके से मसल मसल के अच्छे से मिला लेंगे। जिस तरीके से कचौड़ी के आटा को हम मिक्स करते हैं, मोइन करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से इस आटे को हम मिक्स करके मोइन करेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसे अच्छे से पानी डालकर गूंथेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालकर इसे गूंथें। अगर आप एक बार में पानी डालोगे तो शायद अंदाज ना मिलने के कारण आटा थोड़ा गीला हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। डो हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाना है, डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करनी है, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा गीली हो, बिल्कुल सॉफ्ट डो। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही डो हमें इसके लिए तैयार करनी है। आप अच्छे से इसे आटे को अच्छे से गूंथे मसल मसल कर। ये देखिए मैंने आटा गूंथ लिया। अब ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सत्तू तैयार करेंगे। सत्तू तैयार करने के लिए हमने 2 कप सत्तू लिया है। इसे हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/2 टी अजवाइन हमने ली है, इसे हम हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन जो फाइनली चॉप करके हमने रखे हुए थे उसे ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हमने अदरक को फाइनली चॉप करके रखा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च मैंने फाइनली चॉप करके रखी हुई है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ का जो प्याज होता है वो हमने फाइनली चॉप करके रखा है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो कश्मीरी लाल मिर्च की अचार बनती है जिसमें अंदर मसाले की फीलिंग होती है, वो अचार हमने आधा से ज़्यादा यानी 1/3 पूरा ले लिया है और इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें सरसों का तेल लेंगे। इस सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है अचार के मसालों को, प्याज को, लहसुन, अदरक, तेल, अजवाइन, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और इसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिए आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए क्योंकि हमें इसका डो तैयार नहीं करना है, इसे गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे हमने ड्राई ही रखना है। बिल्कुल वो गीला और सूखा का जो बीच का टेक्सचर होता है बिल्कुल उस तरीके से हम इसमें रखना है। थोड़ा सा मैं और पानी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा। अब देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल दरदरा हो जाएगा। और ये देखिए अब जो है ये अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गया है, हमारी फिलिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम जो आटा जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसे फिर से हम अच्छे से गूंथ लेंगे 1-2 मिनट अच्छे से, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो जाए हमारा आटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लोई तैयार करेंगे। लोई तैयारी करने के लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है, इसके हम ऐसे दाब दाब के अच्छे से एक पेड़े काट लेंगे, पेड़े बना लेंगे। अब पेड़े को कटोरी के आकार में ढाल देंगे। ये देखिए ये पेड़ा बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें कटोरी के आकार का इसको बनाएंगे, बिल्कुल उंगली की सहायता से इस तरीके से दबा दबा के हम एक कटोरी के आकार का इसको बना लेंगे। इसके अंदर हम क्या सत्तू की जो फिलिंग हमने बनाई है वो भर देंगे। ये आप 2 चम्मच आराम से इसमें भर सकते हैं, 1.5 से 2 चम्मच। और इसे अच्छे से अब हम क्या करेंगे, उंगलियों से दाब दाब के अच्छे से इसको और साइड से इसे उंगलियों से इस तरीके से दाब दाब के इसका मुंह अच्छे से बंद कर देंगे और ऊपर का जो आटा है वो हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और इसके बाद हमारा जो पेड़ा है वो तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, बेलने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। हमें इसमें थोड़ा सा आटा लगा दिया सूखा आटा और अब हम इसे बेलेंगे। सूखा आटा लगाने से क्या होता है, बेलने में काफ़ी आसानी होती है, तो इसे अच्छे से बेल लेंगे। बिल्कुल जितना बड़ा आपको बेलना है उतना बड़ा आप इसे बेल सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का इसे बनाया। अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने इसे पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था। अब हम इसे पलट देंगे
और इसके बाद इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं ऑयल की जगह पर, और इसे हम पलट देंगे और अब तेल डालकर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल एकदम हमें गोल्डन करना है इसे। और देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत पराठा हमारा बना है। जितना ये देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, ये खाने में टेस्टी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट प्लीज़ करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।